ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत जरूरी है, चीज को सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से। फॉलोअप शुड बी डन विद इन 48 आवर्स। अगर एक आदमी से आपने 1000 रुपया टोकन लिया या 5000 लिया, तो दोबारा उससे मुलाकात आपकी कभी होनी चाहिए? एक साथ बोलिए सर, 48 घंटे के अंदर। एक साथ बोलिए और एक बार बोलिए, एक बार आपने टोकन ले लिया, चाहे 1000 हो 2000 हो 5000 हो 7000 हो, दोबारा उससे कितने समय में मिलना है? 48 घंटे के अंदर। क्यों? इसलिए ताकि उसके दिमाग से वो सारी चीजें निकल ना जाए। राइट है सर? लाल शर्ट में आप सपोर्ट कीजिए मुझे, चलेगा? दिन कौन सा आज? दिन कौन सा? शनिचर। तो जो पिछला फ्राइडे था, कल वाला नहीं, उसके पहले वाला, दोपहर को आप क्या खाए? तो ठीक है भाई, लेकिन बाकी जितने लोग हैं सब लोग मुझे एक बात बताओ, 4 दिन पहले भी अगर मुझसे पूछो क्या सैटरडे ना, बीता हुआ कल शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार दोपहर में मुझसे पूछोगे मैं नहीं बता पाऊंगा क्या है। 4-5 दिन पहले आप गलत नहीं है सर, हो सकता है शुक्रवार को कोई व्रत हो आपका, संतोषी बात है, व्रत रखने का गलत मत समझो, हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है सर, संतोषी माता का व्रत रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने व्रत रखा था तो ठीक आप बोल गए, लेकिन मोस्टली सबको याद होता बैठिए सर। अब मुझे बताइए 4 दिन पहले मार्च, 4 दिन पहले हम दोपहर को क्या खाए थे हमें मालूम नहीं है, तो ये बिजनेस जो देख के गया है अगर उससे 4-5 दिन बात करेंगे तो उसको कुछ याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। इसीलिए 48 घंटे के अंदर मिलके वापस से रिपीट उसको चार्ज करना है। और 2-4 बढ़िया बढ़िया वीडियो, सर का एंट्री का वीडियो दिखाइए, सर का स्पीच का वीडियो दिखाइए, उदय सर का दिखाइए, सारे हमारे एनडीसी आरटीसी जितने भी रिस्पेक्ट लीडर सबके वीडियो दिखाइए, क्या ठीक है क्या बोलते जबरदस्त, इनके तरह आपको बोलना है, प्रभाव लगाना है, कुछ जबरदस्त गाड़ी लेके चलना, ऐसी एंट्री होगी, सब बताइए या सर को बताइए, उसको चार्ज कीजिए। बैलेंस पेमेंट सिर्फ लेना नहीं है, उसको लाइफ टाइम तक संभालना बोल के मिलना है। हाँ या ना? ये बहुत जरूरी है, इसलिए 48 घंटे के अंदर रिपीट हमारी मुलाकात उसके साथ हो जानी चाहिए। Follow-up should be done within 48 hours. Follow-up should be before repeated by guest. अगर गेस्ट ने जो टाइम दिया है उस टाइम से पहले आपको पहुंचना है। कई बार ऐसा होता था, मुझे लोग बोलते थे भाई मैं 8 बजे ड्यूटी पहुंचूंगा, 7 बजे घर से निकलूंगा, अगर 7 बजे आ सकते हो तो आओ। अब बहुत सारे लोगों को नींद ही नहीं टूटता, आंखें नहीं खुलती, वो आराम से उठेंगे 9 बजे 10 बजे और जाएंगे तो वो निकल गया, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अगर उसने 7 बजे का टाइम दिया है तो 7:45 आप बेल बजा दो टिंग टिंग करके, भाई आपके साथ चाय पी के और सुख सुख करते हैं। या सुनो 15 मिनट पहले पहुंच जाओ, 15 मिनट पहले जो भी टाइम गेस्ट ने दिया उसके बाद है ऑल टूल्स विद यू, सारे टूल्स आपके साथ होने चाहिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1956 एक्ट के तहत कंपनी रजिस्टर्ड है वो ले लीजिए, फिक्की की मेंबरशिप है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9000 2015 वो रख लीजिए, सीनियर के टीडीएस और चेक के जेरोक्स रखिए, यस और नो, प्रोडक्ट बैकलॉग रखिए, 100 फॉर्म रखिए, जितने भी नेसेसरी टूल्स है सब लोगों के पास होने चाहिए, वो सारे लोगों के पास जो लोग वन टू वन और होम मीटिंग या टीडीएस में क्लोजिंग करते हैं। उसके बाद इट इज बेटर इफ यू गो विद योर सीनियर। कॉलम के वक्त की बात बता रहा हूँ, जो नए लोग हैं वो कभी भी अकेले कॉलम पे ना जाए, किसके साथ जाए? सीनियर के साथ, क्योंकि उसके पीछे दो कारण है, एक नया आदमी जो होता है उसके पास कोई इविडेंस नहीं होता है, चेक वगैरह वगैरह वगैरह, राइट? ध्यान से सुनिए, जितने नए लोग मीटिंग में उनको बता दो अकेले नहीं जाना है, सीनियर के साथ जाना है। और दूसरा कारण, आप सीनियर के साथ जाएंगे तो इसमें एक फायदा ये होगा, अगर उस व्यक्ति ने आपसे कुछ अकेले में पूछ लिया तो आप जवाब दे पाएंगे? जोर से बोलिए सर। लेकिन जब सीनियर के साथ जाएंगे तो सीनियर जवाब दे सकता है।
yes or no? इसीलिए थोड़ा थोड़े स्टेप तक आने के लिए, ईगल टाइगर तक आने के लिए आपको अकेले कॉलम पे नहीं जाना, एटलीस्ट ट्राई कीजिए पीसी का, ये बहुत जरूरी। उसके बाद डू नॉट फॉलो अप ऑन फोन विद पर्सनली, कभी भी फॉलो अप किस पे नहीं होना है, फोन पे। एक बार ऐसा हुआ, इनमें से कुछ लोगों को साथ हो सकता मालूम है, बंबई में एक एरिया है विरार बोल के, विरार सुना आपने, कितने लोगों ने सुना सर, इतने सारे लोगों ने सुना, जाकर आना जाना होता होगा, क्या बात है भाई। तो आपको मैं बताता हूँ, मुझे हंसोली बोल के एरिया थाने के बाजू में हंसोली से विरार जाना था, और जानते हो कितने बजे गेस्ट ने फोन उठाया मेरा, पूछो 10:30 बजे, और मैं पहुंचता तो मैं लास्ट 12:30 बजे पहुंचता। तो मेरे मन में दो सवाल है, पहले इसको लॉक फोन पे पूछ लो पैसा रेडी है कि नहीं, सवाल आना जरूरी था। लेकिन अब इसका मेरा एक्शन क्या है उसके ऊपर रिजल्ट आएगा। सवाल आना ठीक है, स्वाभाविक आएगा कि भाई लास्ट से उधर से कोई ट्रेन मिलने वाली, जोर से बोलिए, साधन मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, पूछो, पूछिए तो, मैंने बिल्कुल नहीं पूछा कि पैसा रेडी है कि नहीं। चलो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 घंटे बैठेंगे प्लेटफॉर्म में। सर आपको एक बात बताते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा पैसा रेडी है तो आता, ये दूर जाना है 1.5 घंटा, अगर उसने बोल दिया रेडी क्या, तो फोन में डाली जाते जरूरत ही नहीं पूछने की। वहां पहुंचने के बाद अगर उसने बोल दिया रेडी नहीं है, आई नहीं, कोई बात नहीं, वो तो पैसा तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा हम लोग बिजनेस का, फिर उसको 2-4 वीडियो दिखा के मोटिवेट करो, तब उसको जब निकलोगे आधे घंटे के बाद, वो खुद फील करेगा अंदर से, मेरी जिंदगी में आगे बढ़ाने की बात है। आई एम सॉरी सर, आदमी हो पाए कल इतने बजे मिलिए। तो कभी भी फॉलो फोन पे नहीं होगा, पर्सनल मीट होना चाहिए फॉलो पे। क्लियर हिज डाउट एंड गेट हिज वाई क्लियर कीजिए कि बिजनेस को क्यों करना है फॉलो के बाद। कॉन्फिडेंस दीजिए उसको अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इनकम, सक्सेस, माय लाइफ रिटर्न में कितना सब कुछ हो सकता है। Personally, yes or no? Yes. बहुत जरूरी है और इसके ऊपर आप लोगों को बहुत ध्यान।